हेलो सर, मेरा नाम सौम्या है, मैं लखनऊ से हूँ। जैसे कि हम सोशल मीडिया साइट्स पर देखते हैं हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप की ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की बातें हो रही होती हैं, लेकिन जब उसमें हम देखते हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप होता है, लेकिन हमें ना बिल्कुल नहीं आता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, नील बटा सन्नाटा, तो वैसे ही है कि हम अगर उस ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में आए तो हम जीरो से कैसे स्टार्ट करें। देखिए, पहले आप लोग कोई भी एक प्राइमरी या एलिमेंट्री कोर्स करिए, यूट्यूब से सीख सकते हैं, बुक्स हैं, नहीं तो ज़ीरोधा की एक वर्सिटी करके ऐप है, मतलब उसमें एक सेक्शन है, उसमें आप बेसिक टू एलिमेंट्री सब कुछ सीख सकते हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसे बने हुए हैं उनके, और वो काफ़ी अच्छा इन डिटेल्ड उन्होंने सिखाया है, तो आप उससे सीख सकते हैं। अगर उससे कुछ ना समझ आए तो यूट्यूब पर भी काफ़ी डिटेल्स हैं। दूसरा, जो पैसा डबल ट्रिपल आपने बात बोली, तो मैं यहाँ ये एक मिथ क्लियर कर देता हूँ लोगों को, पैसा डबल ट्रिपल नहीं होता है, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग में पॉसिबल है, ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। होता है, 5 साल देंगे पैसा डबल होएगा। जो एक अच्छा ट्रेडर, जो कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर है, वो 1.5-2%, 2.5%, बहुत अच्छा कोई महीना चला गया 3% तक कमा पाता है। एंड मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पहले एक ऐड आती थी, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, तो लेकिन PNLs के ऊपर मत जाओ, बिकॉज सी जो PNL दिखा रहा है उसके पीछे से कुछ मोटिव होगा, उसने कितना कैपिटल लगाया है, और वो सिर्फ आपको एक अच्छा साइड दिखा रहा है कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ट्रेडिंग लाइक एनी अदर प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी अच्छे ट्रेडर को मिलोगे, उसका अगर अच्छा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी आता है। तो आई वुड से इफ़ यू आर बिगनर, अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले इन्वेस्टिंग पे फोकस कीजिए, SIP कीजिए। तो इससे क्या है कि आपको डेली मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं देखना है, एंड धीरे धीरे जब आपको समझ में आ रहा है कैश में चालू कीजिए। लोग क्या करते हैं, पहले ही FNO में आ जाते हैं, एंड वो सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज लोग लाख रुपए या 2 लाख के कैपिटल से FNO चालू करते हैं, एंड उसमें आप करोगे ऑप्शन बाइंग, और उसमें चांसेस है कि आप कैपिटल चले जाएगा। SEBI की रिपोर्ट भी आई थी कि 11% ही लोग पैसा कमा पा रहे हैं, और उसमें से 2-5% ही FD रिटर्न बीट कर पा रहे हैं। तो अगर आप स्टार्ट ही FNO से करते हो, बिकॉज अब डेली एक्सपायरीज आ गई है, तो आप स्टार्ट ही उल्टा कर रहे हो। तो स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग, SIP कर सकते हैं अच्छे फंड में, एंड धीरे धीरे आपको नॉलेज, तो कैश मार्केट पर फोकस कीजिए। ये साल 2 साल में अगर आपने कैश पे भी फोकस किया तो बहुत अच्छा रिटर्न आया है, एंड ऐसे बीच में मार्केट के साइकिल जाते हैं तब कैश में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। एंड धीरे धीरे आई वुड से कि 1-2 साल को ट्रेडिंग में आपको 2-3 साल तो फिगर आउट करने में लग जाएंगे, तो 2-3 साल कैश मार्केट से चालू कीजिए, धीरे धीरे आपको जब समझ में आएगा ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्स है, देन मूव टू ऑप्शंस फ्यूचर स्लोली। सौम्या, आई थिंक आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज दिस इज वेरी रेलिवेंट इन टूडेज टाइम ऑफ सोशल मीडिया। कभी कभी मुझे तो लगता है SEBI ने एक सर्वे गलत कर दिया, क्योंकि SEBI बोलता है कि 90% लोग नुकसान में FNO में, यहाँ तो देखने को मिलता है 90% प्रॉफिट में, जिस हिसाब से स्क्रीनशॉट डल रहे होते हैं लाखों के। एंड यू नो, एक इंप्रेशन ऐसा जाता है कि FNO में कमाना तो बहुत आसान है, इट्स नथिंग, कि आपने 9:15 से 3:30 बजे काम किया, प्रॉफिट लिया और बस अपना घर चले गए। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। जो SEBI ने सर्वे किया है वो बिल्कुल ठीक है, रादर 90% प्लस लोग FNO में नुकसान में होंगे। जस्ट फॉर अवेयरनेस आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि यू नो, बहुत सारी ऐसी ऐप्स आती हैं आज की डेट में जहाँ पे स्क्रीनशॉट्स फेक बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग वीडियोस, नॉट जस्ट स्क्रीनशॉट, वीडियोस भी फेक बन जाते हैं। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज़ डोंट गो बाय व्हाट इज़ बीइंग शोन ऑन सोशल मीडिया, उसको प्लीज़ इतना मत देखें, इतना वेटेज मत दें। एंड देन यू नो, व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग से मेरा क्या मतलब है कि अगर आप अपना पैसा मार्केट में डालते हो इन जस्ट निफ्टी, तो निफ्टी क्या रिटर्न देता है, 15% की रिटर्न आती है निफ्टी में। नो, यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन हो रही है कि मुझे पैसा डबल करना है, तो पहले तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ठीक है, हो सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कितने लोग मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो नंबर बहुत कम है। सो एक बहुत रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में एंटर करना चाहिए, 15-20-30% तक एक्सपेक्टेशन इज़ ओके, 30% भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बिकॉज 30% अगर कोई बना रहा है ईयर ऑन ईयर, तो वो कंपाउंडेड रिटर्न्स बहुत हाई हो जाती हैं। एंड सेकेंडली, आई थिंक जो सौरभ ने बोला है, दैट इज़ वेरी वैलिड, एंड ये मेरा भी सजेशन रहता है लोगों को कि जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, प्लीज़ FNO से शुरुआत मत करो। वाई? बिकॉज स्टार्टिंग में आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट फंक्शन कैसे करती है, प्राइसेस मूव कैसे करते हैं, अंडरलाइंग में मूवमेंट कैसे आती है, ऑप्शंस जो हैं वो अंडरलाइंग पे ही सारे बेस्ड हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड्स कैसे आते हैं मार्केट में, ओवरऑल मूवमेंट कैसे रहती है। तो जब आप स्टॉक्स को ट्रैक करना शुरू करते हो, जब आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करने लगते हो, तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। इट इज़ ओनली आफ्टर दैट
कि आपको ऑप्शंस में जंप करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट. इट्स नॉट लाइक कि आपने सुबह स्टॉक खरीद लिया शाम को बेच दिया. ऑप्शंस में बहुत टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं. तो माय थॉट प्रोसेस एंड माय रिक्वेस्ट इज कि डोंट जंप इनटू ऑप्शंस. आप शुरुआत हमेशा कैश मार्केट से करें एंड दैट इज द वे टू गो.